प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा दतिया के दो दिवसीय दौरे पर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने दतिया सर्किट हाउस के सामने स्मार्ट सिटी के अंतर्गत 60 लाख के सौंदर्यीकरण का उद्घाटन किया। गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने दतिया प्रवास के दौरान हाईवे पाथवे पर पौधारोपण किया। कार्यक्रम के दौरान नरोत्तम मिश्रा ने सभी से पौधारोपण करने और देखभाल करने की अपील की। उन्होंने इस मौके पर वृक्षों के औषधीय महत्व को भी बताया। वहीं स्थानीय कांग्रेस नेताओं द्वारा किए जा रहे राजनीतिक कटाक्ष पर उन्होंने पलटवार करते हुए कहा कि कभी कभी अमृत भी लोगों को हजम नहीं होता है। इस अवसर पर जिले के कलेक्टर संजय कुमार सहित प्रशासनिक अधिकारी और लोग मौजूद रहे। वृक्षों के महत्व को भी समझो। मैं अक्सर जब भी वृक्षों के पेड़ के बारे में बोलता हूं, वो एक किस्सा सुनाए बिना मैं अपनी बात खत्म नहीं करता, क्योंकि मैं मानता हूं कि पृथ्वी पर पैदा होने वाली हर वनस्पति औषधि है। हर पैदा होने वाली वनस्पति औषधि है। फर्क इतना है कि हम जानते नहीं है उसके बारे में। जो जानकार होता है वो हाल बता देता है कि उम्र की छाल घिसके लगा ले, छाजन ठीक हो जाएगी। अब जो नहीं जानते वो नहीं जानते। लेकिन कुछ चीजें कुछ लोगों की समझ में नहीं आती, वो सिर्फ आलोचना ही करते हैं। और उन आलोचना करने वालों से हमें कुछ नहीं कहना, हमें अपने काम को करते रहना है। वो तो आलोचना करेंगे। अगले सीढ़ी पे जा रहा है। अभी रोज ही किसी न किसी प्रगति की परियोजना के बारे में माने का परामर्श मिलता है, मशवरा मिलता है, मार्गदर्शन मिलता है, और हम लोग उसको क्रियान्वयन करके रखते हैं, उसके लिए तैयारी करते हैं। हम आशा करते हैं कि माननीय मंत्री जी का इसी प्रकार से हमें मार्गदर्शन मिलता जाएगा। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।